वैश्विक रूप से इस बात की चर्चा हो रही है कि चीन साइबर युद्ध की भूमिका भारत के खिलाफ बना रहा है, यानी कहा जाए भारत के खिलाफ चीन साइबर युद्ध छेड़ सकता है। एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर आशंका जताई गई है कि चीन पिछले कई महीनों से इसकी भूमिका यानी कहें पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। इसके लिए वह चीनी प्रतिष्ठानों पर हुए साइबर हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सूत्रों का मानना है कि यह उसकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे लेकर देश में साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भी बेहद चौकसी बढ़ती जा रही है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल सिक्किम तक भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं। चीन में इस साल बड़े पैमाने पर सरकारी एवं सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला हुए। इतना ही नहीं, नेपाल और पाकिस्तान में स्थित चीनी प्रतिष्ठानों पर भी हमला हुए। खबर यह है कि एविल फ्लावर के नाम से हुए हमले के पीछे चीन भारत को जिम्मेदार मान रहा है। चीन के सरकारी महकमों के साथ साथ फुडान यूनिवर्सिटी के साइबर स्पेस रिसर्च सेंटर ने दावा किया है कि हमले भारतीय हैकरों की तरफ से हो रहे हैं। आरोप है कि इन हैकरों को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो सरासर निराधार साबित हो चुका है और आगे भी सरासर निराधार साबित होता रहेगा। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, जो सरकारी मुखपत्र है। सूत्रों के अनुसार चीन इस आरोप के पीछे यह माना जा रहा है कि भारत पर साइबर हमलों की तैयारी कर रहा है। भारत पर पहले हम लोग आरोप लगाकर जब वो जवाबी साइबर हमले की फिराक में हैं, ताकि दुनिया के सामने दिखा सके कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में कायम गतिरोध और अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती सक्रियता का भारतीय सेना पूरी तरह के साथ जवाब दे रही है। इन क्षेत्रों में इसी प्रकार का टकराव बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय सेना चीनी सेना पर भारी पड़ सकती है। इसलिए चीन सीमा पर टकराव की स्थिति को जारी रखते हुए साइबर हमलों के जरिए अदृश्य युद्ध भी छेड़ना चाहता है। हालांकि चीन की इस मंशा को भारतीय एजेंसियां अच्छे प्रकार से समझ रही हैं। तो इस तरीके से भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, जिससे जो चीन की जो नीति है, चीन जो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है साइबर युद्ध का, और कैसे हम उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे, कैसे हम उससे निपटेंगे, इसकी भी तारीफ करनी जरूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य में खबरों की एक नई परिभाषा गढ़ता, आपके हर कदम हर डगर पर साथ चलता, आपके राज्य की हर खबर से रूबरू कराता, खबरों का एक विश्वसनीय नाम लल्लूराम.com। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, पंजाब की खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए लल्लूराम.com।